हेलो फ्रेंड्स, आपके स्वाद को हल्के से थपथपाने के लिए आई हूँ मैं आज एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं एक डम्पलिंग। ये बहुत ही यूनिक और नई रेसिपी है। ये रेसिपी चाइनीज न्यू ईयर में बनाई जाती है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने लिया है एक कढ़ाई, जिसमें मैंने डाला है 2 चम्मच तेल। फिर जाएगा 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। इसको हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज, उसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज के फ्राई होने के बाद हम डालेंगे 1 कटोरी बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। प्याज और पत्ते गोभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी 1 कटोरी मिंस चिकन, यानी कि चिकन का कीमा। उसको भी मैं सभी चीजों के साथ अच्छे से मिला दूंगी और उसको पकाने के लिए रख दूंगी। साथ ही साथ इसमें मैं डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च 1 चम्मच, शक्कर चुटकी भर और थोड़ी सी हरी प्याज। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच सोया सॉस और आखिर में जाएगा इसमें थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटी हुई। सबको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। फिर एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे और चम्मच की मदद से अंडे को पैन में फैला देंगे। थोड़ा सा पकने के बाद उसमें डालेंगे थोड़ा सा चिकन का कीमा और अंडे को काटे की मदद से फोल्ड कर देंगे गुजिए की तरह। इसको अच्छे से चिपका देंगे। ये लीजिए, आपका एग डंपलिंग बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। आप इस एग डंपलिंग को तड़के पैन में भी बना सकते हैं कुछ इस तरह। उसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए, फिर थोड़ा सा अंडा और उसमें जाएगा थोड़ा सा कीमा। फिर इसको अच्छे से चिपका के आप पलट दीजिए। ये लीजिए, इसमें भी हमारा एग डंपलिंग बनके तैयार हो गया है। तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा और अपने फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने स्वाद को ऐसे ही हल्के से थपथपाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।